ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ का सावन का पावन महीना चल रहा है दोस्तों। अगर ये 7 उपाय कर लोगे, आपको 7 उपाय बता रहा हूँ, आपका जीवन बदल जाएगा, सारे दुख दर्द मिट जाएंगे। अगर ये 7 उपाय आपने इस महीने में कर लिए, जितने भी दिन बचे हों सावन के महीने में, अगर आप कर लो, कोई भी आपदा हो, कोई भी मुसीबत हो, वो चुटकी में भाग जाएगी जब आपको ये 7 उपाय करने हैं। और उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो लोगों को शेयर करना है, जिनको परेशानी है उनका भला हो जाए, उनका मंगल हो जाए, उनकी आपदाएं, उनकी दिक्कतें दूर हो जाए। हर आपदा को, हर संकट को रोक देंगे ये 7 सरल उपाय, जिसमें आपका कुछ ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा। तो 7 उपाय कौन से हैं? सबसे पहला उपाय है, इस सावन में किसी भी नदी या तालाब में जाकर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं। जब तक ये काम करें, मन ही मन में भगवान शिव का ध्यान करें या ओम नमः शिवाय का जप करिए, धन प्राप्ति के लिए बहुत सरल उपाय है, इससे खूब सारा पैसा आता है। पहला पॉइंट आपको बता दिया, दूसरा पॉइंट सुनिए। घरेलू कोई परेशानी हो, पारिवारिक परिवार में कलह हो, उसके निदान चाहिए तो सावन के महीने में रोज सुबह घर में गौमूत्र का छिड़काव करें और गूगल का धूप करें, यह दूसरा उपाय। तीसरा उपाय बता रहे हैं उनके लिए, जिनको विवाह में दिक्कत आ रही हो, शादी नहीं हो रही, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे हमारा बेटा बेटी हो, कोई भी हो परिवार में, अगर दिक्कत आ रही है विवाह में, कोई भी अड़चन आ रही है, तो सावन में रोज भगवान शिव के शिवलिंग पर जाकर के दूध चढ़ाना है और केसर मिला हुआ दूध चढ़ाएं तो ज्यादा फायदा करता है, जल्दी से ही शीघ्र ही विवाह के योग बन जाते हैं। अब चौथी बात बता रहे हैं आपको, काम की बात है, सुनिए। सावन में रोज 21 बिल्वपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इससे सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। बिल्व पत्ता लीजिए, 21 पत्ते, उस पर ओम नमः शिवाय लिखिए और मन में अपने काम को सोचिए, जो भी आपकी मनोकामना हो, जो काम पूरा नहीं हो रहा हो, जो भी इच्छा हो, वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। 5वां उपाय है, जिन बड़ों ने हमें जन्म दिया, जो आज संसार में नहीं है, हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी थे, दादा दादी परदादा जो भी, उनकी आत्माओं को शांति के लिए तो सावन में गरीबों को भोजन कराएं, इससे आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है और पितरों की आत्मा को शांति भी मिलती है। कौन नहीं चाहता कि मेरा घर धन धान्य से भरा रहे, मेरे घर में हमेशा भोजन की व्यवस्था रहे, तो गरीबों में थोड़ा सा दान कीजिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। छठी बात सुनिए, काम की बात, मन की शांति चाहिए तो सावन में रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने से निपट कर समीप के ही अपने किसी शिव मंदिर में जाएं, भगवान शिव का जल से अभिषेक करें और उन्हें काले तिल अर्पण करें। इसके बाद मंदिर में कुछ देर बैठकर मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप करें, इससे मन को शांति मिलती है। मन की शांति दोस्तों बहुत जरूरी है, मन शांत होगा तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं। अब सातवीं और आखिरी काम की बात सुन लीजिए, अगर सावन में रोज नंदी बैल उसको हरा चारा खिलाते हैं तो इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और मन प्रसन्न रहेगा। इसके अलावा और दान पुण्य जो भी आप करते हैं इस महीने में, दान करते हैं उसका बहुत गहरा पुण्य बनता है, इसलिए कोशिश करें इस महीने में गरीबों को दान करें। जहां जहां आप खिला सकते हैं, गाय को खिलाएं, नंदी को खिलाएं, जो अनाथ है उनको खिलाएं, कहीं पर आप सेवा में दान दे सकते हैं वहां पर दान दीजिए, ताकि आपका मंगल हो। हमें आपका कुछ नहीं चाहिए, आप करेंगे तो आपका भला होगा, हमें आपका कुछ नहीं चाहिए। इनमें से कुछ भी उपाय समझ में आता है तो उसे जरूर फॉलो कीजिए, ताकि आपका भला हो और कम से कम इतना सुना है तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए ना, ताकि किसी का कर्जा आप पे ना रहे, कि सुनने वाला भी जो बोल रहा है तो उसको भी कि हम उसका भी फ्री में क्यों सुने, उसके बदले में उसे कुछ दे जाए, पैसा रुपया मत दो, तो सब्सक्राइब कर जाओ और साथ में दूसरों को भेजो, ताकि उनका भी मंगल हो, उनका भी भला हो, सबका मंगल सोचोगे तो आपका मंगल अपने आप हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। सावन महीने की आप सभी को खूब सारी बधाई। ओम नमः शिवाय।